हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हार्ड मूवी एक्सप्लेनर। और आज आप देखने वाले हैं एनिमेशन एडवेंचर कॉमेडी मूवी आइसेज सीरीज का सेकंड पार्ट, आइसेज मेल्टडाउन समरी। यदि आपने आइसेज सीरीज के किसी भी पार्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप आइसेज सीरीज के किसी भी पार्ट का एक्सप्लेनेशन मिस ना कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो मूवी शुरू होती है उस लालची स्क्रेट को दिखाते हुए जो अपने नट को बर्फ में छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उस बर्फ के पहाड़ में दरार पड़ जाती है और उसमें से प्रेशर के साथ पानी निकलने लगता है। तभी ये स्क्रेट उस पानी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पानी का प्रेशर ज्यादा होने के कारण ये खुद एक बलून की तरह आसमान में उड़ जाता है। और इस बर्फ के पहाड़ के नीचे हम बाकी एनिमल्स को देखते हैं जो वाटरफॉल में नहाने के मजे ले रहे होते हैं। वहीं एक एनिमल अपनी फैमिली से बातें करते हुए बोलता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण गर्मी बहुत बढ़ गई है, जिससे बर्फ पिघलने लगी है। इससे अच्छा तो आइस एज का मौसम था। इसके बाद हम सिड को देखते हैं जिसने बच्चों का कैंप खुला होता है और इस कैंप के सारे बच्चे मिलकर सिड को बहुत परेशान करते हैं। तभी इस कैंप में डियागो और मैनी आते हैं जो बच्चों की शरारतें देखकर सिड से बोलते हैं कि अभी तुम कैंप चलाने के लायक नहीं हो। मैनी और सिड की बात सुनकर सिड नाराज हो जाता है और वो सोचने लगता है कि कोई मुझे किसी लायक नहीं समझता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं एक कछुए की तरह दिखने वाले एनिमल को जिसका नाम फास्टोनी होता है, जो सभी से कहता है कि दुनिया खत्म होने वाली है क्योंकि अगले 5 दिनों में बहुत भयंकर बाढ़ आने वाली है। फास्टोनी की ये बात सुनकर मैनी उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम ये झूठी खबर क्यों फैला रहे हो। तभी सिड एक बर्फीले पहाड़ पर चढ़कर ऊपर से कूदने की कोशिश करता है और सिड ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो सोचता है कि इतनी हाइट से कूदने वाला मैं पहला एनिमल हूँगा, जिससे सभी लोग मेरी इज्जत किया करेंगे। ये देख कर डियागो और मैनी पहाड़ पर पहुँच कर सिड को बचा लेते हैं। जब ये तीनों पहाड़ पर होते हैं तो देखते हैं कि बर्फ धीरे धीरे पिघल रही होती है, जिसे देख कर ये समझ जाते हैं कि फास्टोनी सही कह रहा था और बाढ़ आने वाली है। अब ये तीनों मैनी, सिड और डियागो पहाड़ से नीचे सभी एनिमल्स के पास आते हैं, जहां ये सभी एनिमल्स को बताते हैं कि फास्टोनी सही कह रहा था, बाढ़ आने वाली है क्योंकि हमने पहाड़ पर देखा है कि बर्फ पिघलना शुरू हो गई है और हम सभी को इस जगह को खाली करना होगा क्योंकि हम लोग एक घाटी में रहते हैं जो एक न एक दिन पानी से भर जाएगी। तभी वहाँ पर एक वल्चर नाम का बर्ड आता है जो सभी से कहता है कि ये जगह कुछ ही दिनों में पानी से भरने वाली है, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो इस घाटी के दूसरे किनारे पर पहुँचो, वहाँ पर तुम्हें एक बोट मिलेगी जिसकी मदद से तुम दूसरी जगह जाकर अपना घर फिर से बसा सकते हो। और वल्चर की बात सुनकर ये सभी एनिमल्स घाटी के दूसरे किनारे उस बोट की तरफ निकल पड़ते हैं। जब ये सभी एनिमल्स इस जगह को छोड़कर जा रहे होते हैं तभी इनमें से एक एनिमल की फैमिली मैनी को देखकर बोलती है कि देखिए ये आखिरी बचा हुआ मेमद है, क्योंकि आज तक इस फैमिली ने किसी और मेमद को नहीं देखा होता है। और मैनी को भी कहीं ना कहीं यकीन हो जाता है कि वो अपनी प्रजाति का आखिरी बचा हुआ मेमद है। ये बात सोचकर मैनी उदास हो जाता है और वहाँ से सभी को छोड़कर जंगल में चला जाता है। और मैनी के साथ जंगल में डियागो और सिड भी आ जाते हैं। तभी मैनी डियागो और सिड से कहता है कि मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, और ये सब कहते हुए वो जंगल में आगे निकल जाता है। तभी यहाँ जंगल में डियागो और सिड को दो एडी और क्रैश नाम के चूहे मिलते हैं जो डियागो और सिड के साथ काफी मस्ती करते हैं और उन्हें परेशान भी करते हैं। वहीं जंगल में जब मैनी उदास बैठा होता है तो उसे एक फीमेल मेमद दिखाई देती है जिसका नाम एली होता है, जो अपने आप को एक चूहा समझती है। जो चूहे की तरह हरकतें करती है, वो पेड़ पर चढ़ती है और गिर जाती है। मैनी एली को देखकर खुश तो बहुत होता है, लेकिन उसकी चूहे वाली हरकतें देखकर सोचने लगता है कि ये चूहा है या मेमद। तभी वहाँ एडी और क्रिस का पीछा करते हुए डियागो और सिड भी आ जाते हैं, जो दूसरी मेमद एली को देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ एडी और क्रिस एली को अपनी सिस्टर बोलते हैं और एली भी उनको अपना भाई बोलती है। एली एडी और क्रिस के साथ बचपन से रह रही होती है, इसलिए वो खुद को एक चूहा समझती है और चूहे वाली हरकतें करती है। ये सब देखकर डियागो और सिड मैनी और एली की दोस्ती कराना चाहते हैं और फिर ये सब लोग एक साथ मिलकर जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। तभी मैनी एली को समझाने की कोशिश करता है कि वो चूहा नहीं बल्कि एक मेमद है, लेकिन एली मैनी की बात पर यकीन नहीं करती और मैनी को भी एक चूहा बताती है। तभी यहाँ बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाती है और उसमें से निकलकर दो अजीब क्रिएचर उन पर हमला कर देते हैं। मैनी इन दोनों क्रिएचर को अपने दांतों में फंसाकर बहुत दूर फेंक देता है और वहीं सिड को पता चलता है कि डियागो को तैरना नहीं आता और उसे पानी से बहुत डर लगता है। और मैनी ये सोचता है कि उसके ऐसा करने से एली इम्प्रेस हो जाएगी, लेकिन एली उसे जान बचाकर भागने का ज्ञान देकर वहां से चली जाती है क्योंकि उसके अंदर चूहे वाला डर होता है, मेमद वाली बहादुरी नहीं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं स्क्रेट को, जैसे फाइनली उसका नट मिल जाता है, लेकिन उस पर बहुत सारी पीराना मछलियां हमला कर देती हैं। तभी उनमें से एक पीराना मछली उसका ये नट खा लेती है, जिससे स्क्रेट को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो एक एक करके सभी पीराना मछलियों को मार देता है और अपना नट लेकर वहां से जाने ही वाला होता है कि तभी वहां वल्चर नाम का एक पक्षी आकर उसका नट लेकर उड़ जाता है और एक बार फिर वो स्क्रेट अपना नट गवा देता है। वहीं
दूसरी तरफ हम देखते हैं डियागो और सिड को जो मैनी को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये दोनों मैनी को बोलते हैं कि यदि तुम एली को पसंद करते हो तो उसको जाकर ये बात बता दो, क्योंकि तुम अपनी प्रजाति के आखिरी मेहमत कपल हो और तुम्हारे ऐसा करने से तुम्हारी प्रजाति विलुप्त होने से बच सकती है। ये बात सुन के मैनी एली के पास जाता है और उसे कन्वेंस करके दोनों जंगल में घूमने निकल जाते हैं। तभी जंगल में घूमते समय एली को एक पेड़ दिखाई देता है और जब एली इस पेड़ के पास जाती है तो इस पेड़ को देखकर अपने बचपन के फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां उसे सब याद आने लगता है कि वो एक मेहमद है और बचपन में अपने झुंड से बिछड़ गई थी। और यहीं से एली उन दोनों चूहों एडी और क्रस को मिली थी। एली को इतना सब कुछ याद आने के बाद एली और मैनी दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अब ये दोनों यहाँ से सिड और डियागो के पास पहुँचते हैं। मैनी और एली में दोस्ती देखकर सभी खुश हो जाते हैं। एक रात जब ये सब लोग सो रहे होते हैं तभी वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे स्लॉथ आते हैं जो सिड को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं और ये सभी स्लॉथ मिलकर पहले तो सिड की पूजा करते हैं और फिर उसे लावा में फेंक देते हैं। ये सभी स्लॉथ ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये सोचते हैं कि सिड की बलि देने से सारी तबाही रुक जाएगी। जहाँ से सिड जैसे तैसे करके बच जाता है और वो पत्थर में रोल होते हुए सभी के पास पहुँचता है जहाँ सभी सो रहे होते हैं। इधर सुबह हो जाती है और ये सभी अपने सफर पर निकलते हैं, जहाँ रास्ते में इनको बहुत सारे वल्चर मिलते हैं जो इनको देखकर गाना गाने लगते हैं। कुछ दूर और चलने के बाद ये लोग उस बोट को देखते हैं जहाँ सभी एनिमल्स पहुँच चुके होते हैं और उस बोट तक जाने वाले रास्ते में बहुत सारी बर्फ जमी होती है, जिसको देखकर एली वहाँ से जाने से मना करती है। लेकिन मैनी नहीं मानता है, वो सिड और डियागो को लेकर इसी रास्ते से जाता है, जहाँ एली एडी और क्रस को लेकर दूसरे रास्ते से जाती है, जहाँ मैनी सिड और डियागो जैसे तैसे करके इस रास्ते को पार कर लेते हैं और वो बोट पर पहुँचते हैं। बोट पर पहुँचकर मैनी सिड और डियागो एली को ढूंढने लगते हैं। एली अपने दोनों भाई एडी और क्रस के साथ जंगल के रास्ते इस बोट तक पहुँचने की कोशिश करती है, लेकिन पानी का स्तर बढ़ने से वो जंगल में फंस जाती है। एली पानी से बचने के लिए एक गुफा में पहुँचती है, लेकिन तभी वो गुफा बंद हो जाती है और एली वहीं फंस जाती है। तभी एली के दोनों भाई एडी और क्रस भागते हुए बोट पर आते हैं, जहाँ ये दोनों मैनी सिड और डियागो को बताते हैं कि एली एक गुफा में फंस चुकी है। एडी और क्रस की बात सुनकर मैनी सिड और डियागो एडी और क्रस के साथ जंगल पहुँचते हैं, जहाँ पहुँचकर ये देखते हैं कि पानी का स्तर बढ़ चुका है। तभी मैनी एडी और क्रस खुद की परवाह न करते हुए पानी में कूद जाते हैं, लेकिन पानी का बहाव ज्यादा होने के कारण एडी और क्रस डूबने लगते हैं। एडी और क्रस को डूबता हुआ देखकर सिड पानी में कूद जाता है। तभी सिड का सर एक आइस के टुकड़े से टकराता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। सिड को बेहोश देखकर डियागो अपने डर पर काबू करते हुए पानी में छलांग लगा देता है, क्योंकि डियागो को तैरना नहीं आता और उसे पानी से बहुत डर लगता है। क्योंकि डियागो एक अच्छा दोस्त होता है, इसलिए वो सिड के लिए पानी में कूद जाता है। डियागो सिड एडी और क्रस को पानी में बचा लेता है और उन्हें किनारे पर ले आता है, जिस पर सिड डियागो से कहता है कि तुमको तो तैरना नहीं आता लेकिन तुमने तो कर दिखाया, लेकिन मैंने अभी तक एली को पानी में ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पानी से निकलकर दो अजीब क्रिएचर मैनी पर हमला कर देते हैं और ये वही दो क्रिएचर होते हैं जो पहले भी मैनी पर हमला कर चुके हैं। तभी मैनी इन दोनों क्रिएचर से फाइट करता है और इन दोनों क्रिएचर को अपने दांतों में फंसाकर पानी में फेंक देता है। और जब मैनी एली के पास पहुंचने की कोशिश करता है तभी ये दोनों क्रिएचर मिलकर उस पर फिर से हमला कर देते हैं, जिससे मैनी इस बार पानी में डूब जाता है और उन दोनों क्रिएचर के साथ पानी के अंदर ही फाइट करने लगता है। और मैनी पानी के अंदर ही इन दोनों क्रिएचर को एक पत्थर से दबाकर मार देता है और मैनी एली को उस गुफा से बाहर निकालता है जहाँ वो फंस गई होती है। और मैनी एली को लेकर पानी में ऊपर आता है और इन दोनों को फिर से एक साथ देखकर एडी सिड और डियागो बहुत खुश होते हैं और ये सभी पानी से निकलकर एक बड़े से पत्थर पर खड़े हो जाते हैं और ये देखते हैं कि इनके चारों तरफ पानी काफी बढ़ चुका होता है और ये डूबने वाले होते हैं। और वो बोट जिसमें सभी एनिमल्स बैठे होते हैं वो पानी बढ़ने की वजह से पानी में तैरने लगती है। तभी हम देखते हैं उस स्क्रेट को जो अपने नट को लेकर पहाड़ पर चढ़ रहा होता है और जब वो पहाड़ पर चढ़ जाता है तो अपने नट को छुपाने के लिए वो तेजी से इसे बर्फ में दबाता है, जिससे पहाड़ में दरार पड़ जाती है और वो पहाड़ टूट जाता है और वहाँ का सारा पानी दूसरी तरफ बह जाता है। और पानी के बह जाने से ये सभी एनिमल्स उस बोट से उतर कर जमीन पर आ जाते हैं और वो स्क्रेट भी पहाड़ टूटने से अपने नट के साथ पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और ये सारे एनिमल्स उस घाटी में आकर बहुत खुश होते हैं जहाँ ये पहले रहा करते थे। तभी वहाँ सिड और डियागो के पास वो छोटे छोटे स्लॉथ आते हैं और ये छोटे छोटे स्लॉथ सिड को आग का देवता फायर किंग के नाम से बुलाते हैं और वो सभी स्लॉथ मिलकर सिड से कहते हैं कि तुमने हमारी जान बचाई है, इसलिए तुम हमारे साथ चलो, क्योंकि हम तुम्हें अपने कबीले का राजा बनाना चाहते हैं, जिससे कि तुम हमें आगे आने वाली मुसीबतों से भी बचा सको। और उन सारे स्लॉथ की बात सुनकर डियागो साफ मना कर देता है, सिड हमारा दोस्त है इसलिए वो हमेशा हमारे साथ रहेगा और हम उसे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने देंगे। तभी मैनी और एली देखते हैं कि उस घाटी में बहुत सारे मेहमद आ रहे होते हैं। उस मेहमद के झुंड को देखकर मैनी और एली समझ जाते हैं कि हमारी प्रजाति अभी विलुप्त नहीं हुई है, हम जैसे और भी हैं। तभी एली
उस मेहमत के झुंड के साथ जाने लगती है और मैनी को भी अपने साथ चलने को बोलती है, लेकिन मैनी अपने दोनों दोस्त सिड और डियागो को छोड़कर कहीं जाना पसंद नहीं करता है। तभी एली भी मेहमत के झुंड को छोड़कर वापस मैनी के पास आ जाती है, जिससे ये सभी मिलकर एक साथ रहने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्क्रेट को, जो खुद को एक हेवन में पाता है जहाँ बहुत सारे नट्स होते हैं और इनमें से जो सबसे बड़ा नट्स होता है, और उस सबसे बड़े नट को पाने के लिए स्क्रेट आगे बढ़ता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि उसे पीछे की ओर कोई चीज खींच रही है, और जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि सिड उसे अपने मुंह से सांस दे रहा था, जिससे स्क्रेट का सपना टूट जाता है और वो सिड को मारने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। तो गाइज, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें, और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप इस सीरीज के किसी भी पार्ट का एक्सप्लेनेशन मिस ना कर पाए। और इस सीरीज के फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन आई बटन पे क्लिक करके इसी चैनल पर देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।